दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों सर बात करने जा रहे हैं नोटबुक बनाने का बिजनेस शुरू कर, कैसे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, कैसे ये बिजनेस होगा आगे बने, पहले दोस्तों बता दो बिस्टर में से हमें क्या अर्ली जा चाहते हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नोटबुक पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसके बिना पढ़ाई लिखाई किया जाना संभव नहीं है। विभिन्न विषयों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न तरह के कॉपी का निर्माण किया जाता है, जो कि बाजार में अलग अलग कीमतों पर बेची जाती हैं। ये नोटबुक अलग अलग ब्रांड और क्वालिटी के साथ मौजूद होते हैं, जिन्हें इनकी क्वालिटी के साथ विभिन्न कीमतों पर बेची जाती है। दोस्तों आप भी बहुत कम पैसे में नोटबुक बनाने का व्यापार शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे क्लासमेट की तरह अपना एक ब्रांड बनाकर इन्हें बेचकर खूब लाभ कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको नोटबुक बनाने के बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों नोटबुक बनाने के बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको जगह की आवश्यकता होगी। अगर आपके घर में जगह है तो आप ये बिजनेस घर से भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको नोटबुक बनाने के लिए मशीनरी लेनी होगी। दोस्तों नोटबुक बनाने के लिए तीन मशीनों की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहली होती है पिनअप मशीन, दूसरी चाहिए स्क्वायर मशीन और तीसरी जो मशीन चाहिए वो होती है कटिंग मशीन। ये मशीनें 4 किलोवाट बिजली लेती है और इसे घरेलू बिजली से भी चलाया जा सकता है। इन मशीनों की कुल कीमत 5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में होती है। इन मशीनों से 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर 6 से लेकर 8 कापियां बन के तैयार हो जाती हैं। सबसे कम प्राइस में मशीन खरीदने का एड्रेस आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटबुक्स बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, यदि एक बार इसकी मशीनरी समझ ली जाए तो बहुत आसानी से नोटबुक बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले शीट को, जो कि कॉपी के लिए कवर का काम करता है, उसे अच्छे से इस तरह मोड़े कि वह कॉपी के अनुसार कवर के आकार में आ जाए। इसके बाद इसमें जितने पन्ने की कॉपी बनानी हो उतने कागज को भी मोड़कर उसके अंदर डाल दें। इसके बाद पिनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में इन कवर और उसके अंदर डाले गए दिस्ता कागज को पिन करना होता है। इसके लिए फोल्ड किए गए दिस्ता को पिनिंग मशीन की सहायता से पिन करना होता है। इसके बाद इसे एज स्क्वायर मशीन पर ले जाकर इसकी फिनिशिंग करनी होती है। फिनिशिंग यानी कवर से बाहर निकले अतिरिक्त पन्ने आदि की छटाई वगैरह। फिनिशिंग के बाद नोटबुक पूरी तरह स्क्वायर में हो जाती है। एज स्क्वायर मशीन में पहले इसके पिनिंग का स्थान अच्छे आकार में आ जाता है। इसके बाद इसकी कटिंग की बारी आती है। पहले बने हुए कॉपी को सामने से काटें और इसके बाद आवश्यकता हो तो बीच से काट के 2 भागों में बांट दें। पिनिंग किए गए क्षेत्र के अलावा सामने के 3 भागों को काटना होता है। इस तरह कुछ ही समय में नोटबुक बन के बिकने के लिए तैयार हो जाता है। कॉपी बन के तैयार हो जाने पर इसे आवश्यकता अनुसार पैक करना पड़ता है। यदि पैकिंग की बात की जाए तो इसे होलसेल अथवा रिटेल के रूप में पैक किया जा सकता है। होलसेल में पैक करने के लिए बड़े पैकेट्स बनाए जा सकते हैं। यदि रिटेल में अपना ब्रांड सीधे सीधे उतारना चाहते हैं तो इसके लिए प्रति पैकेट 6 कॉपी का पैक बनाएं और विभिन्न स्टेशनरी दुकानों पर पहुंचाएं। कॉपी बनाने में कुल खर्च की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने में कुल खर्च 5 से लेकर 7 लाख रुपए का आता है। इस पैसे में आप ये मशीन भी खरीद सकते हैं और साथ ही रॉ मटेरियल भी पा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह भी इसी पैसे में हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप 2 या 3 मजदूरों के साथ 7 लाख रुपए की लागत के साथ इस व्यापार की शुरुआत बड़ी आसानी से करके अपना नोटबुक ब्रांड बाजार में उतार सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अब कमाई की बात करें तो 1 किलो पेपर में लगभग 6 से लेकर 7 नोटबुक बनाई जा सकती है। यदि इसे रिटेल में बेचे तो 15 रुपए प्रति पीस बिकता है। एक नोटबुक बनाने में कुल लागत 11 रुपए की पड़ती है। होलसेल में इस तरह की नोटबुक की कीमत 12 से लेकर 13 रुपए की होती है।
इस तरह से होलसेल में प्रत्येक नोटबुक में 2 से लेकर 5 रुपये का लाभ कमाया जा सकता है। करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया ऐसे कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपलोड नोट्स आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।